अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया में बसने वाले एक बहुत ही अजीबोगरीब कबीले के बारे में, जिनके रस्म व रिवाज सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो कैलाश को हिंदू कश में वाक़ कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में आबाद है। ये कबीला कैलाश जबान बोलता है जो दर्जी ज़बानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़बान इस खित्ते में नहायत जुदागाना मशहूर है। लसानियात के माहिर रिचर्ड के मुताबिक ज़िला चित्राल में आबाद कबाइल ने यह नाम कदीम काफिरिस्तान से मुस्तार लिया है। कैलाशा या कैलाश कबाइल ने वक्त के साथ चित्राल में अपना असर व रसूख बढ़ाया। एक हवाले से ये भी कहा जाता है कि कैलाश नाम दरअसल कासवो, जो बाद में कासियो इस्तेमाल होता था। ये नाम नूरिस्तान के कबाइल ने यहाँ आबाद कबाइल के लिए मखसूस कर रखा था। बाद के अदवार में ये कासियो नाम कैलाशियो बना और रफ्ता रफ्ता कैलाशा और फिर कैलाशा और अब कैलाश बन गया। कैलाश कबाइल की सकाफत यहाँ आबाद कबाइल में सबसे जुदागाना खसूसियात की हामिल है। इनकी सकाफत मकामी मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह बड़ी तादाद में कैलाश वादी में आते हैं। ये कबाइल मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं और उनकी ज़िंदगियों पर कुदरत और रूहानी तालीमात का असर रसूख है। यहाँ के कबाइल की मजहबी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी देने का रिवाज आम है, जो उनकी तीन वादियों में खुशहाली और अमन की जमानत समझी जाती है। कैलाश कबाइल में मशहूर मुख्तलिफ रिवाज और कई तारीखी हवाला जात और किस्सा आम तौर पर रोम कदीम रोम की सकाफत से तशबीह दिए जाते हैं। गो वक्त के साथ साथ कदीम रोम की सकाफत के असरात में कमी आई है और अब के दौर में ज़्यादातर हिंद और फारस की सकाफतों के ज़्यादा असरात वाजे हैं। हुकूमत की जानिब से कौमी सकाफत वर्सा को वफाकी वजारत तालीम में जम होने के अच्छे नतायज आने लगे और यूनेस्को की जानिब से कैलाश की सकाफत को बैनुल अक्वामी सकाफत करार दिया गया है। कैलाश कबाइल के कबाइली रिवाज में इख्तलाफ पाया जाता था। 20वीं सदी से पहले तक यहाँ रिवाज नहायत वसी थे और गुज़िश्ता सदी में उन गैर मुस्लिम कबाइल में इन रिवाजों की पैरवी इस्लाम कबूल करने के बाद से काफ़ी कमी आई है। यहाँ मसाजिद भी मौजूद हैं और तकरीबन 3000 कैलाश लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं या फिर उनकी औलादें मुसलमान हो चुकी हैं। ये लोग अब भी वादी कैलाश के इलाके में रिहाइश पजीर हैं और अपनी ज़बान और कदीम सकाफत की पैरवी करते हैं और अब इन लोगों को शेख कहा जाता है। और कैलाश कबाइल की तकरीबन निसफ आबादी पर मुश्तमिल ये लोग अपना जुदागाना असर रसूख रखते हैं। कैलाश कबाइल के सरदार सैफ जान जो अकलियत के मुताबिक अगर कोई कैलाश फर्द इस्लाम कबूल कर ले वो हमारे दरमियान ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, हम अपनी शनाख्त के लिए इंतहाई सख्त मिजाज रखते हैं। कैलाश औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो सीपों और मोतियों से सजाई गई होती हैं। काले लिबास की वजह से चित्राल में स्याह पोश कहलाए जाते हैं और कैलाश मर्दों ने पाकिस्तान में आम इस्तेमाल का लिबास शलवार कमीज़ अपना ली है और बच्चों में भी पाकिस्तानी लिबास आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी माशरे के बरक्स औरतों और मर्दों का समाजी मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। बाशिलानी एक जुदा गाना गाँव है जो औरतों के लिए मखसूस है। यहाँ हामला औरतें ही लाजमी रिहाइश पजीर होती हैं और पैदा होने वाले बच्चों को बाशिलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरतों का पाक होना लाजिम है और एक रिवाज भी आम है जिसको अपनाने के बाद ही कोई औरत अपने शौहर की तरफ वापस जा सकती है और मर्द भी इस रिवाज का कलीदी हिस्सा होते हैं। घर से फरार होकर शादी करने का रिवाज, यहाँ इनकी जो शादी होती हैं वो बहुत ही एक दिलचस्प किस्म का मौजू है, इसीलिए उसको मैं यहाँ कोई एक स्पेशली हाईलाइट करके आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे उनके शादियों के तरीके के बारे में। वहाँ घर से फरार होकर शादी का रिवाज आम है। नौमर्द लड़कियाँ और शादीशुदा औरतें भी घर से फरार इख्तियार करती हैं। ज़्यादातर ये कबाइल इस रवैया को अमूमी ख्याल करती है और इस सूरत में जश्न के मौका पर कबूल कर लिया जाता है। कई मौक़ों पर ज़ेली कबीलों में इस मौजू पर फसाद भी बरपा हो जाता है। अमन के कायम होने तक तलखी बरकरार रहती है और सुलह आम तौर पर सालिस की मौजूदगी के बगैर तय नहीं होती। सुलह के लिए जो रिवाज आम है उसके मुताबिक मर्द जिसके साथ औरत फरार इख्तियार करें वो सूरत के ख़ानदान या पहले शोर को कीमत अदा करता है। ये कीमत आम तौर पर दुगने खर्चे के बराबर होता है जो सूरत का शोर शादी और औरत के ख़ानदान को अदा करता है। तो इस तरह से इनके यहाँ शादी होती है, यानी कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद कर ले या कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर ले तो वो आपस में वहाँ से भाग जाते हैं, उस इलाके से दोनों भाग जाते हैं
और फिर उनका एक ख़ास मौका होता है जब वो आकर इस बात का ऐलान कर देते हैं।